The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. So, aaj hum baat karne wale hain ke what exactly are the foods to lower your cholesterol? जी हाँ, ऐसे कौन से खाने पीने की चीज़ें हैं जो एक्चुअली में रिसर्च में देखी गई है नेचुरली आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं खाने पीने में, फूड प्रोडक्ट्स, आइए बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है इसका नाम है स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स। क्या चीज़ है ये? प्लांट्स में होती हैं। प्लांट स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स एक तरीके के फाइटोस्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल के जैसे कंपाउंड्स हैं जो बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड्स में पाए जाते हैं, ये सब्जियों में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, दालों में पाए जाते हैं, सीड्स, नट्स, ग्रेन्स, ब्रेड, सीरियल सब में पाए जाते हैं, वेजिटेबल से बने हुए ऑयल्स में पाए जाते हैं। सो आप रोज खाते हैं, सो आप खाते हैं स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स। जी हाँ, तो स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स खाने से क्या होता है? स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स खाने के, वेजिटेबल्स या प्लांट बेस्ड फूड खाने से, जिसमें अगर कोई ऐसी एडिशनल आप खाते हैं, ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो उन ज्यादा मात्रा में स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स इज एक्चुअली एन ऑप्शन इन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। जी हाँ, ये एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट टू कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। सुन लो, समझ लो, सलाद खाते हो ना, वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, घर का पका हुआ खाना खाते हैं, तो वो घर की दाल रोटी सब्जी और वेजिटेबल सैलेड्स आर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव्स। हम तो वही खाते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया? क्योंकि आप उसमें बाहर से जो चीज़ें लाते हो, जो खाते हो, जो बाहर से सामान खाते हो, कभी कभी हम बुरा ऑयल लाते हैं, कभी कभी हम हाई कैलोरी फैटी मिल्क पीते हैं, राइट, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत सारे रीजन्स हैं, राइट, बाहर का खाना, उसके बाद में मोटापा, एक्स्ट्रा अमाउंट में खाना, ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्राइग्लिसराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, LDL हो, उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं, वो क्यों बढ़ते हैं। मगर यहाँ बात क्या चल रही है कि प्लांट में स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स होते हैं जो नॉर्मली भी होते हैं और अलग से डाइटरी सप्लीमेंट भी आते हैं, और इसकी एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है कि वो इफेक्टिव है। और यहां पर ये देखा गया है कि दे द इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लीमेंट्स एज इफेक्टिव एज द फूड प्रोडक्ट्स जो आप खाएंगे। सो सप्लीमेंट्स लो चाहे फूड प्रोडक्ट्स लो जिनमें स्टेनॉल स्टेरॉल्स हैं, नॉर्मल घर का खाना खाओ, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, बट ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स कि आपने कैलरीज या तो ओके कैलरीज खाओ, कैलरी डेफिसिट में खाओ, या फिर बहुत प्रॉपर एक्सरसाइजेस करो। यू कैन नॉट जस्ट लीव वन थिंग, एक्सरसाइज नहीं करो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्टेनॉल खाऊंगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो कुछ फूड है, डेयरी सप्लीमेंट्स हैं जिनमें स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स होते हैं, एंड दे आर इवन परमिटेड बाई द FDA टू कैरी अ हेल्थ क्लेम कि इससे आपकी हार्ट डिजीज या कोलेस्ट्रॉल का रिस्क कम होगा। 2013 में हो रहे कुछ सिस्टमेटिक रिव्यूज जिसमें 8 स्टडी का मेटा एनालिसिस हुआ था, उसमें ये देखा गया कि सप्लीमेंट जिनमें स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स होते हैं और या उनको आप टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में लोगे, तो दे आर एसोसिएट विद क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शंस ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज योर LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल कम होता है। फर्दर इसी पे ज्यादा एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया है कि एज कंपेयर्ड टू न्यूट्रिएंट फूड रिच विद प्लांट स्टेरॉल्स एंड स्टेनॉल्स, सेम इफेक्ट आपको मिलेगा, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा अगर आप दवाइयां ले लेते हो। कई स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स की मेडिसिन भी आती हैं आजकल, सो मेडिसिन खाओ या घर का खाना खाओ, एक बराबर रिजल्ट है। तो इसमें लेकिन प्रिकॉशंस भी हैं। प्लांट स्टेरॉल्स एंड स्टेरॉल्स जो हैं उनकी जो कैप्सूल गोलियां आती नॉर्मली तो सेफ है, लेकिन कुछ लोगों में उसके वजह से डायरिया या फिर फैट इन स्टूल आने के चांसेस हैं। ऐसे में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप उसे लेने पड़ गए कि हाई प्लांट स्टेरॉल लेवल लेने लगे तो उस केस में फिर प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस भी मर सकता है, ये याद रखिएगा। तो ये चीज़ जो है मॉडरेट लेवल पे रखना है। अगर कभी एक्सपेरिमेंट करना है आपको स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल का, आपके डॉक्टर भी देते हैं, तो ध्यान रखिए या तो डाइट में अपने सारा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपने डाइट में 250 to 500 ग्राम सैलड डेली खा लो, सैलड खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, कुक्ड वेजिटेबल्स खा लो, आधी कुक कर लो, आधी खा लो, कोलेस्ट्रॉल दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और अच्छी एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल जियो बस। बाकी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो कुछ दिन दवा तो खानी पड़ेगी। सेकेंड इज सॉय। जी हाँ, सॉय सॉय सॉय, लोग डर जाते हैं सॉय से, इस सॉय से ये है वो है, बट सॉय इज एक्चुअली इट डज हैव अ स्मॉल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट, और ये प्रूवन है 35 स्टडीज के मेटा एनालिसिस के साथ। आपको मिलेगा ये कि कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट, लोअरिंग इफेक्ट है सॉय में, और इट इज मच मोर देन एक्चुअल अदर कोलेस्ट्रॉल सॉय प्रोटीन सप्लीमेंट्स।
राइट। सो सोया प्रोटीन सप्लीमेंट की जगह नॉर्मल फूड खाओगे, सोया रिच फूड, वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और बट इट इज़ नॉट वेरी हाई, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, छोटा इफेक्ट है मगर है। सो 2015-2018 में आपको स्टडीज़ और भी मिल जाएगी, जिसमें कई पोस्ट ओबेस, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के ऊपर भी स्टडी की गई थी। तो ना सिर्फ उनके प्लाज्मा लिपिड लेवल्स बल्कि इन्फ्लामेटरी मार्कर्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे स्टडी की गई थी, उसमें देखा गया टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। मगर यू हैव टू कंबाइन सोय प्रोटीन्स विद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। 2011 में एक और मेटा एनालिसिस हुआ 12 स्टडीज और 23 क्रॉसओवर स्टडीज का, जिसने भी ये भी देखा कि सोय प्रोटीन कंजम्पशन वाज एसोसिएट विद अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, जिसमें आपके लाइपोप्रोटीन रिस्क फैक्टर्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कम होते हैं। सो सोय एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहुत खूंखार स्टडी हो चुकी है, एंड कई लोग उसको कहते हैं अच्छा है बुरा है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट बैड, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, खाना चाहिए। प्रिकॉशन, जिन लोगों को सोय से एलर्जी है वो ना खाएं, ऑब्वियसली वैसे तो सोय सेफ है, जिनको एलर्जी है उनको प्रॉब्लम होगी। सोय से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आप खाते हैं सोया उससे पेट, किसी किसी को अपसेट हो सकता है, स्टमक पेन, डायरिया होने के चांस हैं। लॉन्ग टर्म सोय लेने की वजह से कुछ लोगों को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, फीमेल्स में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया का एक रिस्क है इंक्रीज रिस्क है, होगा जरूरी नहीं है। देन सोय फूड ये रिस्क नहीं बढ़ाता, सोय सप्लीमेंट ये रिस्क बढ़ा सकता है। तो सोय रिच फूड खाना मस्त। एविडेंस अगेन इंडिकेट्स कि ये सेफ है फॉर इवन वुमेन हु हैव ब्रेस्ट कैंसर, हु आर एट द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सोय फूड्स आर वेरी वेरी सेफ, टेंशन मत लो, सोय खाओ। फ्लैक्सीड जो है दे आर वेरी गुड, उसमें जी हाँ, दैट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ गुड ऑयल्स, इट हैज ओमेगा 3 ऑयल्स, राइट, ALA ज्यादा होता है उसमें, सो बढ़िया, वेरी गुड। बट इट डज लोअर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड इट इज बेनिफिशियल कि आप फ्लैक्सीड के सप्लीमेंट या फ्लैक्सीड खाओ। सो फ्लैक्सीड होल भी खा सकते हैं, फ्लैक्सीड के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, फ्लैक्सीड बट ऑयल नहीं ले सकते, ऑयल के साथ फ्लैक्सीड ऑयल के साथ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट नहीं है। सो फ्लैक्सीड खाओ, ठीक है। द इफेक्ट आर वेरी स्ट्रॉन्गर इन वुमेन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में और ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू मेन, ठीक है। और रिसर्च भी प्रूव करती है फ्लैक्सीड एंड फ्लैक्सीड ऑयल हैव, रिसर्च में मिक्स रिजल्ट्स है, फ्लैक्सीड में जरूर रिजल्ट्स हैं, फ्लैक्सीड ऑयल में मिक्स है। 2015 में रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी हुई थी 110 पार्टिसिपेंट, जिनमें देखा गया है कि मिल्ड फ्लैक्सीड लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल टोटल एंड LDL कोलेस्ट्रॉल इन पीपल विद पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ठीक है। और ऐसे ही कुछ स्टडीज और पहले भी 2009 में भी हुई है, जिसमें भी ये देखा गया है कि इट इज बेटर, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट है। ओके, प्रिकॉशन देखिए, रॉ कच्ची फ्लैक्सीड या अनराइप फ्लैक्सीड खाओगे तो उसमें कुछ पोटेंशियली टॉक्सिक भी चीज है, तो उसको भून के खाओ, पौन के। उसके अलावा फ्लैक्सीड फ्लैक्सीड ऑयल सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो वेल टॉलरेटेड, मगर उसके फ्लैक्सीड ऑयल कैन बी यूज फॉर देयर ओमेगा 3 बेनिफिट्स, यस, बट नॉट कोलेस्ट्रॉल। फ्लैक्सीड एंड फ्लैक्सीड ऑयल जो है प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, माइल्ड सा हार्मोनल इफेक्ट है उसमें, बट देन इट इज़ नॉट वेरी, उसमें भी कोई बहुत मेजर रिसर्चेस नहीं है। एंड फ्लैक्सीड डायरेक्ट खाओगे तो उसमें बहुत बढ़िया फाइबर भी होते हैं, तो फाइबर सप्लीमेंट इट कैन बी टेकन विद गुड अमाउंट ऑफ वाटर और एल्स इट माइट कॉज कॉन्स्टिपेशन, राइट। सो दैट इज देयर फ्लैक्सीड के लिए कॉन्स्टिपेशन। गार्लिक, जी हाँ, गार्लिक लोग खाते हैं वैसे ही हार्ट के लिए अच्छा, तो यस, हार्ट के लिए गार्लिक अच्छा है। इसको रिसर्च में भी देखा गया है कि गार्लिक खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, एंड वो तब होगा जब 2 महीने हो जाएंगे गार्लिक, एक दिन खाने से नहीं होता, रेगुलर गार्लिक खाने से होता है। सो बट द इफेक्ट इज वेरी मॉडेस्ट, मींस अगर कोलेस्ट्रॉल दवा से इतना कम होगा तो उससे इतना कम होगा, तो बहुत कम ही है। सो इट इज देयर, इफेक्ट इज देयर, माइल्ड इफेक्ट इज देयर। 2016 में मेटा एनालिसिस हुआ 239 रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज का, जिसमें बहुत सारे 2300 पार्टिसिपेंट्स ने देखा कि गार्लिक जो है LDL कोलेस्ट्रॉल आपका कम करता है बाय 10% आफ्टर 2 मंथ्स। तो 10% कम होगा, मतलब 200 है तो 180 हो जाएगा। सो अकेले गार्लिक इज नॉट इफेक्टिव, अकेले आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस भी करनी पड़ेगी। 2009 में भी ऐसी स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया गार्लिक कैन रिड्यूस योर टोटल कोलेस्ट्रॉल बाय मॉडेस्ट एक्सटेंट, बट LDL कोलेस्ट्रॉल पे इस स्टडी पे गार्लिक का कोई खास इफेक्ट नहीं देखा गया है, ना ही HDL स्टडी पे। तो गार्लिक is good, खाओ, but don't expect it to be miraculous, okay? Precaution, garlic safe है, अब रोज खाते हो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। साइड इफेक्ट क्या है, किसी को बैड उधर आ सकता है, किसी को बुरी बदबू आ सकती है मुंह के अंदर से, हार्ट बर्न, गैस, स्टमक अपसेट, कुछ लोग एलर्जिक हो सकते हैं, और गार्लिक कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन सम पीपल, अ लिटिल बिट ऑफ ब्लड थिनिंग इफेक्ट, और इट कैन इफ इंटरफियर विद सम दवाइयाँ जो आप अगर ले रहे हैं कुछ किसी किसी बीमारी के लिए।
अपने डॉक्टर से बात कर लें। ग्रीन टी, नेक्स्ट इज ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर भी मॉडेस्ट कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट है इफ इट इज कंज्यूम्ड इन मॉडरेट अमाउंट एंड ग्रीन टी इज हेल्दी। दुनिया भर के लोग बोलते हैं ग्रीन टी हेल्दी हेल्दी है। इसको 2008 के मेटा एनालिसिस में भी देखा गया था बहुत सारे पार्टिसिपेंट के साथ कि ग्रीन टी सिग्निफिकेंटली आपका प्लाज्मा टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं, बट इट डज नॉट हैव एनी गुड इफेक्ट ऑन द गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पे कोई खास इफेक्ट है नहीं। और ऐसे ही रिसर्चेस में देखा गया है कि अलग अलग रिसर्चेस होते हैं, कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि यस ये कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल्स को कम करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को कम करते हैं। सो वेरी गुड, ग्रीन टी पियो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन टी से भी कुछ लोगों को गैस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि उसमें कैफीन होता है, कुछ लोगों को कैफीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को लिवर डिसऑर्डर्स अगर हैं तो उनको एब्डोमिन पेन, डार्क यूरिन या जॉन्डिस आने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपको ग्रीन टी के या ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट ले रहे हो। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, गाढ़ा होता है, हार्ड होता है। ग्रीन टी इज़ मच 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 गुड। सो ग्रीन टी जो है आपका ब्लड शुगर के शोन टू रिड्यूस द ब्लड लेवल्स ऑफ ड्रग नैडोलॉल। नैडोलॉल या बीटा ब्लॉकर एक दवा है जो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट थोड़ा कम करती है, ब्लड प्रेशर के लिए दिए जाते हैं। तो ग्रीन टी का कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्शंस भी है, राइट। सो रेड यीस्ट राइस जी, इसके ना बारे में थोड़ा समझो। इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं मोनोकोलिन के। ये सब्सटेंस जो है एक अनअप्रूव्ड दवा या सब्सटेंस है जो कि लीगली सोल्ड नहीं किया जा सकता है, लीगली सेल नहीं किया जा सकता है एज अ सप्लीमेंट। ये केमिकली कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एक दवा होती है, लोवास्टैटिन उसके जैसा है। मतलब ये खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा के जैसा इफेक्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके कम हो जाएंगे, बट इट डज हैव साइड इफेक्ट्स जस्ट लाइक लोवास्टैटिन। और इसके रिसर्चेज में भी देखेंगे कि ये भैया कम करता है कोलेस्ट्रॉल मगर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो इसके ऊपर प्रिकॉशन ध्यान रखना कि इसके रेड यीस्ट राइस पाउडर, कोएंजाइम क्यू, इसके सारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। प्लस ये कंटेमिनेटेड भी हो सकता है बाय सिट्रिनिन विच इज अ सब्सटेंस विच कैन कॉज किडनी डैमेज। सो दिस इज नॉट द बेस्ट थिंग टू यूज फॉर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। आई वुड नॉट एडवाइज टू ट्राई दिस, ओके, अवॉइड इट। Oats and oats bran, yes, they can be taken. Long-term dairy intake, dietary intake, daily intake भी ले सकते हैं आप इसको. So they are beneficial, they will have good effect and they will reduce your bad cholesterol. Studies में भी देखा गया है, they reduce your total NLDL cholesterol. Oats are good, high in fiber also, that is one of the factor. उसके अलावा beneficial effect cholesterol पे आपको studies में भी दिख जाएगा. Even hypercholesterolemia, meta-analysis में भी आपको कई सारे benefits दिख जाएंगे oats या oats के ब्रांड के। प्रिकॉशन, ओट सेफ है, कोई खास साइड इफेक्ट है नहीं। कुछ लोगों को गैस या ब्लोटिंग जैसी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो ओट्स के बारे में ये हुआ और यही सारी चीज़ें आप खा सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, और कोई उल्टे सीधे सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइट, डाइट हेल्दी रखिए, अच्छे फ्रूट्स दबा के खाइए, वेजिटेबल दबा के खाइए, थोड़ा बहुत हेल्दी फैट खाइए, ये हेल्दी फैट है, ये हेल्दी फैट है, ओट्स खाइए, घी खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया हेल्दी रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया, और इस वीडियो को शेयर कर दो। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, हर एक के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। जस्ट यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड वहां पे सर्च ऑप्शन है, सर्च पे आप डाल दो, आपको वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।